हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए मैथ के चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, इसको कब समय में कैसे बनाया जाता है। तो बस आप ये वीडियो पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोज़ाना मैथ के ट्रिक्स का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना है, 975 है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, दर भी है और समय भी है, तो मूलधन आपको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, देखिए क्या करते हैं। देखिए 25% वार्षिक दर है, 3 वर्ष है, ठीक है। एक वर्ष का दर कितना है, रेट कितना है, 25%, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 25 × 3 कर दीजिए यानी कि आपका 75% आपका क्या हो गया, आपका साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। 75 और परसेंट का क्या लिख लीजिए, नीचे 100 कर दीजिए, 75/100, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो 25 × 75 × 25 = 100, मतलब 3/4, इसको अभी रहने दीजिए। अब देखिए क्या कीजिए, अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना है, 25%, तो चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे लिखना है आपको, इस तरह लिखना है, 25% है तो आपको लिखना है 125, 100 में 25 ऐड कर देना है, 125/100, फिर लिखना है 125/100 और फिर लिखना है 125/100, ऐसा 3 बार लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का निकालना होगा, तो इस तरह लिख लीजिए। आप कट कीजिएगा तो 25 × 25 = 25, ऊपर भी 5 और इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5, 125 और नीचे 4 × 16 = 64। अब क्या कीजिए, इस 125 में 64 को माइनस कर दीजिए, तो 125 में 64 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 61 / 64, समझना है। अब ये जो नीचे 64 है ये आपका होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन, और ये जो आपका ऊपर 61 है ये आपका होता है ब्याज, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ भी ऐसा ही, यानी कि जो आपका साधारण ब्याज है उसमें कितना है, 3/4, और नीचे क्या होता है, मैंने आपको बताया मूलधन होता है, तो यहाँ पे 4 है, इसको बना लीजिए कितना, 64। तो कैसे बनाएंगे, 3/4 में 4 को 64 बनाना, तो क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 16 × 64, तो ऊपर भी यही कीजिए, 16 से मल्टीप्लाई, मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 × 48/64। अब समझिए यहाँ भी मूलधन कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज में 64 और साधारण ब्याज में भी मूलधन कितना हो गया, 64, तो पता चल गया कि मूलधन 64 है और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, ऊपर 48 है, और यहाँ पे मिश्र ये कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 61 है, तो आपसे पूछा है क्या, मूलधन, तो मूलधन कैसे निकालेंगे समझना है। अंतर दोनों का कितना है, तो 975, उसको लिख लीजिए, बटे, अब दोनों का एक्चुअल में अंतर कितना है, ये 975 तो आपका रुपए में निकल गया। अब यहाँ पे जो मैंने निकाला ये जो है साधारण ब्याज कितना है, 48, चक्रवृद्धि की ब्याज कितना है, 61, तो 61 में 48 माइनस कर दीजिए, 61 में 48 माइनस कीजिएगा तो कितना निकलेगा आपका, 13 निकलेगा, ठीक है, और गुना कर दीजिए आप कितना, तो आपको निकालना क्या है, मूलधन, तो मूलधन कितना है, 64, तो 64 गुना कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो 63 से 975 को कट करेंगे तो ये आपका 75 आ जाएगा, और 75 × 64 कीजिएगा तो ये आपका कितना दे देगा, ये आपका दे देगा 848, ठीक है, 75 × 64 कीजिएगा कितना दे देगा, 4800, तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरह करना है, इस तरह आपको करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो इसी दर पर यह 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो इसको बनाने का क्या ट्रिक है, कोई भी धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, और करना हमको कितना है, 27 गुना करना है। तो देखिए 3 गुना मतलब 3 × 3 × 3, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 27 गुना ही होगा, 3 × 3 × 3 मतलब 27 गुना। अच्छा 3 गुना होने में कितना लगता है, 3 वर्ष, फिर से 3 गुना करना है कितना लग जाएगा, 3 वर्ष, फिर से 3 गुना करना है कितना लग जाएगा, 3 वर्ष, मतलब टोटल कितना हो गया, 3 × 3 = 6 × 3 = 9, 9 वर्ष लगेगा, आंसर आ गया, यही तो आंसर है,
ना, समझ में आ गया, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था, समझ में आया, तीन गुना है तो इस 27 को तीन गुना बना लेना है, मतलब 27 को क्या लिख देना है, तीन गुना तीन गुना तीन, तीन तीन नौती है 27 हो गया। अब एक तीन गुना करने में 3 वर्ष लगता है, तो दूसरा तीन गुना करने में भी 3 वर्ष लगेगा, तीसरा तीन गुना करने में भी 3 वर्ष लगेगा, मतलब टोटल जो 27 गुना करने में कितना लग जाएगा, 3 6 3 9 9 वर्ष लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक से आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 105 मीटर पर सेकंड कितने के बराबर है, यहाँ पे ऑप्शंस जो है उसमें किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो याद रखना है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए हमेशा क्या करना है, 18/5 से गुना कर देना है। किससे गुना करना है, 18/5। देखिए समझना है, जैसे यहाँ पे कितना है, 105 मीटर पर सेकंड है, तो इसको चेंज करना है किलोमीटर पर घंटा में, तो क्या कीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 21 गुना 18 करेंगे तो ये आपका दे देगा, 21 गुना 18 करेंगे तो ये आपका दे देगा 378 दे देगा, कितना दे देगा, 378, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो हमेशा याद रखना है कि मीटर मीटर पर सेकंड से चेंज करना है अगर किलोमीटर पर आवर में, तो हमेशा गुना करना है किससे, 18/5 से। और दूसरा बात याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर से चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा गुना कीजिए 5/18 से, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 बिल्लियाँ 6 चूहे को 6 दिनों में खा सकती है, ये कितना है, 6 बिल्लियाँ हैं, कितने दिनों में खा सकता है, 6 दिनों में, कितना खा सकता है, 6 चूहा, तो जितना चूहा खा सकता है, मतलब कि इसका काम कितना कर रहा है, 6 चूहे का काम तमाम कर रहा है, तो 6 को नीचे लिख देना है, ठीक है, 6 बिल्लियाँ 6 दिन हो गया और चूहा कितना तमाम कर रहा है, 6, तो इस तरह लिख लेना है। अब इक्वल टू, अब है 2 बिल्लियाँ तो 2 लिख लीजिए, 2 चूहे को काम तमाम करना है, तो चूहे को हमें तक कहाँ लिखना है, नीचे, कितने दिनों में, तो मान लीजिए दिन को डी से डिनोट कर दीजिए, डी दिनों में, ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो डी इक्वल टू कितना हो गया, 6 दिन, मतलब 6 दिन में तमाम कर देगा 2 चूहे को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 147 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसका ट्रिक्स, और इस तरह से आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।